गाइस गाइस ओह गजब गाइस यार कम ऑन, ये मेरा चौथा पाल है यहाँ पर। इतना लकी कैसे, यहाँ तो दो दो पड़े एक साथ। भाई मैंने अभी एंट्री ली, मैंने जस्ट अभी एंट्री ली और यहाँ पर देखो पैनकिंग मिला मुझे। तो गाइस क्या हालचाल आप सभी लोग के, एक बार दोबारा से स्वागत है एक नई धमाकेदार वीडियो में। और आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले पाल वर्ल्ड, जिसमें कि हम पकड़ने वाले सारे के सारे लकी पाल्स को, मतलब जीरो से चिकपी से लेकर जेटर, सॉरी वो तो लेजेंडरी पाल है, तो जो चार लेजेंडरी पाल है उनको छोड़ के सभी पाल्स के लकी वर्जन को हम लोग आज ढूंढेंगे और उनको कैप्चर भी करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख रहे हो यहाँ पर कितने सारे हमारे पास पड़े हुए बड़े बड़े लेजेंडरी वाले पॉकीमॉन्स यहाँ पर। और एक ये लकी पाल है बैंगलोर, फिर ये नाइट विंग, फिर देखो मुझे ये मिला था टोको टोको 46 लेवल का, ये मिला था लैम बॉल वाला है लकी पाल, सैलरे का था, कैटिवा मिल गया, फ्लॉपी भी है। भाई साहब इतने सारे लकी मुझे दिख गए थे ना, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम लोग सारे के सारे लकी वर्जन को पकड़ के देखें। मानते हैं टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं होगा कि कहीं ना मिले। ओके तो अगली सुबह हो चुकी और अब हम लोग निकलेंगे अपने लकी पास को पकड़ने की सैर पर। तो सबसे पहले तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पक्का मुझे चिकी तो मिल जाएगा लकी वाला। मैंने देखो बाकी तो मैप्स कंप्लीट कर लिए पूरी तरह से, सबको पकड़ रखा है यहाँ। गाइस देख सकते हो हम लोग का सेकंड बेस है यहाँ पर, और यहाँ तो सिंपल है, कुछ हम लोग ने बेस पे कुछ करा नहीं है। ऑलराइट गाइस देखो चिकपी को हम लोग पकड़ना है, वो भी लकी वाला। देखो जितनी लकी मिल जाए हम लोग लाइन से जाने वाले हैं, यहाँ से पूरा मैप एक्सप्लोर करना है हम लोगों को। मेरे पास कैटिवा पड़ा है, लैम बॉल पड़ा है। इसके बाद मैंने अगले आधे घंटे जितना भी हो सका वो सारी जगह को एक्सप्लोर करा, बट मुझे एक भी लकी पाल नहीं मिला। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रिक को आजमाया जाए, मैं एक फास्ट ट्रैवल पॉइंट से दूसरे फास्ट ट्रैवल पॉइंट पर जाऊंगा और वापस से आ जाऊंगा, जिससे उस फास्ट ट्रैवल पॉइंट के आसपास के सभी पास गायब हो जाएंगे और दूसरे नए पास वहां पर स्पॉन हो जाएंगे। फास्ट ट्रैवल से अगर आसपास में देखते हैं, अगर फास्ट ट्रैवल करके वहां के पास अगर होंगे, मतलब समझ लो मजे ही मजे हो जाएगा, सी बता रहे हैं अगर मिल गया इस तरीके से। तो एक बार फास्ट ट्रैवल करेंगे, थोड़ी दूर पे देखेंगे अगर कोई पाल है बढ़िया है नहीं है तो वापस आ जाएंगे। इस साइड पे तो नहीं है, लेकिन चलो दूसरे पे ट्राई करते रहेंगे, पता नहीं कितने हैं यहाँ पर। यहाँ जाते PIDF टावर के पास वाले पे। उसके बाद अगले 20 मिनट तक मैं ऐसे ही घूमता रहा पाल्स को ढूंढने, लेकिन मुझे एक भी लकी पाल नहीं मिला। मतलब समझ लो इतना बेकार लक किसी का नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारे फास्ट ट्रैवल पे जाकर वापस आए, फिर गए, फिर आए, लेकिन तब भी नहीं मिला। और मैं तो होप खोने ही वाला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ। यहाँ से भी निकलते फटाक से और दूसरी तरफ आते। गाइस खुल जा जल्दी, गाइस यहाँ कहीं है, कहीं तो है लकी पाल यहाँ पर है कहीं पर। रुको रुको रुको, कहाँ से आवाज आ रही है यार, आ कहाँ से रही है, कहीं से तो आई भाई, यही कहीं। ये क्या है यार, इसके अंदर से ये गाइस देख रहे हो यहाँ पर क्या है, ये कौन सी बग आ गई यार। अबे यार पहला तो पाल मिला हम लोग को जो लकी था, लेकिन वो भी पता नहीं कहाँ जमीन में घुस रहा है। ऑल राइट गाइस देखो मैं भी जस्ट अभी वहाँ फास्ट ट्रैवल से वापस होकर आया और ये यहाँ पर आ चुका है वापस सही से। भाई साहब मुझे तो लगा भाई तू क्यों गुस्सा, हट हट, दो गोली का है नहीं, लेकिन इस भाई भाई इसको पकड़ना है मेरे को, ठीक है। और इसको मैं अबे निकल ले यार, लेजेंडरी तो नहीं यूज करने वाला भाई मैं, इससे बड़ी मेहनत से बनते हैं लेजेंडरी वाले, मैं इसमें यूज करूंगा मेगा स्फीयर सिंपल। 20 लेवल की से कोई दिक्कत नहीं है, कितनी आवाज भाई साहब इसका डिफेंस भाई। अभी मैंने उसको मारा, पता नहीं कितने लेवल का था ये, लेकिन उससे छोटा, लेकिन उससे इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है इसको ज्यादातर। मुझे रिंग ऑफ मर्सी चाहिए, मुझे इसको पकड़ना है, मुझे पकड़ना है इसको। पहले ही पाल मुझे आज का मिला यार, बड़ी देर से मेहनत कर रहे हैं भाई, कितनी आवाज हो रही है यार यहाँ पर। ऑलराइट तो हम लोग को मिल चुका अपना पहला पाल, अभी गाइस इसको देखना ठीक है, वही पंप शॉटगन से मारेंगे इसको और इसकी हेल्थ एक बार पूरी खत्म। कहाँ गया दूसरा वाला भी था ना, उसके लकी वालों को भाई लगती नहीं चोट, चाहे कितना भी तेजी से मार लो। देखना इसको अगर हम दूर से ही मारे, देखो आधे आधी तो खत्म। गाइस हम लोग ने अपना पहला पाला इसका पकड़ लिया, जो कि है लकी वाला भाई। रिप रिप, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पूरे एक घंटे की मेहनत के बाद जब पहला साइनी पाल मिला, तो अपने अंदर का जोश जो जगा, मैं तुरंत निकल गया और भी बाकी पास को ढूंढने। अब तो उम्मीद यही थी कि भाई मिलने ही मिलने, बट ये मेरी गलत फहमी थी। मैं ढूंढता रहा, पता नहीं कौन कौन से आइलैंड पे मैं गया, एक भी नहीं मिले, मतलब एक भी जगह कोई शाइनी पाल नहीं मिला दूसरा। और ढूंढते ढूंढते रात भी हो गई, मैंने सोचा रात को भी क्यों ना ढूंढने लग जाऊं, जो पाल सिर्फ रात को ही स्पॉन होते हैं वो मिल जाएंगे हम लोगों को लकी वर्जन। फिर मैंने सोचा दिन वाले तो इतनी जल्दी मिल नहीं रहे, रात वाले कैसे मिलेंगे, तो मैं फटाक से आ गया बेस में सोने और अगली सुबह को हम लोग फिर से निकल गए। बट अभी भी वही प्रॉब्लम थी, कोई भी शाइनी पाल कहीं भी नहीं दिख रहा था। मतलब जिस आइलैंड पे सारे लो लेवल के पास बहुत सारे एक साथ दिखते हैं, वहां पर भी कोई शाइनी पाल नहीं था। बट तभी कुछ ऐसा हुआ, हमको लकी पाल चाहिए यार कम। अबे इतने सारे से, अबे भाई ये सब ये क्या कर रहे हैं, मैंने तो वो भी नहीं लगा के रखा कि बहुत सारे पास एक साथ। गाइस अगर हम लोग लकी पास पकड़ने को, मैं कोई चीट नहीं यूज करने वाला, तो गेम में इन्होंने ऑप्शन दिया है कि अगर आपको ज्यादा पास चाहिए तो यहाँ पर आप ऑप्शन लगा सकते हैं। इनको देख के मेरे दिमाग में एक आइडिया अच्छा सा आया यार,
मैं पहले जाता हूँ वर्ल्ड की सेटिंग में, जाता हूँ कस्टम सेटिंग में जाता हूँ और पाल एपीरियंस रेट। हाँ जब ऐसा रहेगा ना समझ लो बहुत ज्यादा हम लोग को पास मिलेंगे। अब देखते हैं पाल को पकड़ना ढूंढना बहुत आसान। अबे किसको मार रहा भाई? गाइस देख रहे हो एक साथ चार चार यहाँ पर दिख रहे हैं हम लोगों के पास। अब इस सेटिंग की मदद से हर बार एक पाल स्पॉन होने की जगह तीन तीन पाल स्पॉन होंगे, जिसकी वजह से उनमें से एक शाइनी पाल होने के चांसेस ज्यादा हैं। मुझे लगा था कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट दिक्कत यही थी कि शाइनी पाल के अपीयर होने के चांसेस बहुत ज्यादा लो होते हैं, तो मैं फिर से ढूंढने लग गया बट मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन तभी मुझे एक शाइनी पाल दिखा। गाइस मैं अभी इसको देख रहा था ड्यूमेट को भाई, लेकिन सामने देखो यार। गाइस ये हम लोग सेकंड पाल होने वाला है, ऐसा समझ लो यार इतना चमक रहा है यार, ये बड़ा भी भाई बाकी सबसे। सीधी बात इसको उड़ाओ, खेला खत्म करो, सीधे आजा बॉल में आ बॉल। अबे भाई लग, अरे नहीं आ शिट यार, शिट शिट ब्रो यार, कम ऑन। मैंने मर्सी वाला नहीं लगाया यार, रिंग ऑफ मर्सी, मेरा एक पूरा एक पाल चला गया लक्की वाला यार, इतनी मेहनत से मैंने इसको ढूंढा था यार। Come on, मुझे ये शाइनी पाल तो नहीं मिला बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मैंने दूसरे शाइनी पाल को ढूंढना चालू कर दिया। देख तो भाई यहाँ इतने सारे, और एक गजब। गाइस मुझे यहाँ पर आना चाहिए वापस। मैं यहीं पर अगर रिस्पॉन करता रहा दो दो तीन दिन बार ना बहुत अच्छे मिल सकते हैं मेरे ख्याल से। वापस चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं वहाँ पर अब कौन कौन से आए हैं। ये चेंज हुआ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ड्यूमट आ गए और स्वीट तो थे ही, ये पॉकीमोन वाला भी आ गया, स्पार्क्स वाला। थैंक यू इतने सारे गाइज यहाँ पर। गाइज मैं काम करता हूँ तीन से चार बार यहाँ पर ट्राई करता हूँ, इससे आके मेरे मुझे उम्मीद है भाई देखो यहाँ पर मिल जाएगा। इतने सारे यहाँ पर पास है ना तो बड़ी आसानी से आ सकता है ये। इस बार देखो मैं क्या करूँगा ना, रिंग ऑफ मर्सी उतारूंगा ही नहीं यार, बहुत बुरा लग रहा है। बड़ी मुश्किल से तो मैंने पकड़ा था उसको, आधा एक घंटा हो गया उसको करे करे, और अब जाके मुझे वो मिला था और छूट गया यार। उसके बाद मैं उसी फास्ट ट्रेवल से तीन से चार बार आया गया बट मुझे कोई भी लक्की पाल नहीं मिला। मैं पूरा डेजर्ट घूम रहा था एक एक बार, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला, और जहाँ पर उम्मीद नहीं थी वहाँ मिल गया। फिर से आना पड़ेगा यार मुझे, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, इनके लिए मैं जितनी बार भी आऊँ कोई दिक्कत नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए। देखो आज मुझे मिला, मुझे गाइस आवाज आ रही। गाइस रुको 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 रुको, अबे चल किसके पास। गाइस ये मिल गया स्वी, यार मैंने पहनी रिंग ऑफ मर्सी, ठीक है बढ़िया। और तो भाई तू हो गया, ये गया। मैं इस पर ज्यादा वैसे अटैक नहीं करने वाला। तुम नहीं करोगे भाई, मारियो मत, मारना नहीं, बढ़िया। अच्छा हो मेरे पास ये पड़ा है यार, चलते असॉल्ट राइफल। भाई तुम लोग मुझे मारते रहोगे कोई दिक्कत? अबे नहीं तुझे कोई नहीं मारेगा। तो भाई मैं गीगा स्पेयर भी यूज करने तैयार हूँ, बस पकड़ में आ जाइयो। कम ऑन, बढ़िया बढ़िया गाइज। और ये हम लोग को मिल चुका है हमारा दूसरा, क्या बोलते इसको, अबे तुम लोग की ऐसी की तैसी, ये लो तुम्हारे को, इसको हटाओ, चलो आओ मेरे पास है इतनी बुलेट्स पर बची, मैं सबको एक एक करके मार दूँ। रुको यार, खत्म, खेला ही खत्म, जितने लोग दिख रहे सब खत्म। कोई और लड़ना चाहता हमसे? बढ़िया खत्म ना गाइस, हम लोग अपना सेकंड पकड़ लिया, चलो स्वी मिला है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिला तो सही। चलते फटाक से अपना दूसरे पास को पकड़ दे, एक और बार यहाँ पर रिपीट होके आया तो मान लो यहाँ पर एक और आ जा भाई। मुझे तो बस यही ट्रिक बहुत समझ में आ रही है, जिसमें क्या हम फटाक से इधर से उधर होके ट्रैवल करें और हम गाइस यहाँ स्क्रीन खुली नहीं, मुझे आवाज आ रही है गाइस, मिल गया गाइस, एक सैलरी मिला गाइस, ये मेरा तीसरा पॉल भाई, लक देख रहे हो यार इतना अच्छा। रुको, इसको ही मैं ऐसे ही मार सकता हूँ यार, रुको भाई बच गया भाई, अभी मैं पक्का यूज कर लेता उसको। ये दो तीन, तू आ जा भाई किसी और के, मैं जाने तो दूंगा नहीं भाई तुझे, सही बता रहे बड़ी मुश्किल से कैच क्या बोलते सामने आया है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हम लोग को मिल चुका है हम लोग का तीसरा पाल यहाँ पर, जो हमने कैप्चर कराया आज। लगातार दो शाइनी पास मिलने के बाद तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, और मैंने फिर से इसी ट्रिक को यूज करने की सोची, और गाइस इस बार लक मेरे साथ था भाई साहब। आगे जो जो हुआ भाई आप लोग भी चौंक जाओगे, यहाँ से सुनना पड़ेगा, कहीं तो कहीं अगर मालूम मिल ही जाए यार, और हम लोग ध्यान ना दे। लक्की गाइस ओह गजब गाइस यार, कम ऑन, ये मेरा चौथा पाल है यहाँ पर। गाइस यहाँ पर अगर मालूम मैं 10 से 15 बार आ गया ना गाइस, अबे तुम लोग तू ज्यादा नहीं बन रहे है, उसको भाग, उसको मारना मत, बस जेड ड्रैगन मार उसको। मैं भाई गाइस तुम लोग मुझे बिलीव नहीं हो, अबे तू कहाँ जा रहा है, रुक जा यार मुझे तुझे पकड़ नहीं है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा गाइस, मुझे इतने सारे मिल रहे लक्की पास यहाँ पर लगातार। मैं इसको ही बुलेट से मारूंगा यार, मुझे पंगे नहीं लेने ऐसे, बस जेड ड्रैगन आके मार दे इसको। अबे नहीं मत जाइयो, सॉरी मैं तुझे, अबे गाइस इसकी हेल्थ ही नहीं जा रही। अबे भाई इलेक्ट्रिक अटैक क्यों कर रहा है यार,
तो क्या बोलते हो, राउंड टाइप है ना? कमोन 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 कमोन, इसके लिए मैं हाइपर स्पीड भी, अबे नहीं गाइस, इसको किसी और के हाथों नहीं मरना चाहिए, सही बता रहे हैं। चलो आ जाओ, कमोन प्लीज पकड़ में आ जाइयो, प्लीज प्लीज। बहुत सही गाइस, बोलो मुझे कितने, तीन 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 पास मिले गाइस, लकी हुलिगन हार्ड स्किन, चलो बढ़िया है। अबे कौन मार रहा है, अब कोई भी मारो मुझे फर्क नहीं पड़ता, सब मरोगे तुम। गाइस मेरा अनुबिस जो है ना भाई 50 लेवल का, मैंने इसीलिए करके रखा इसको, कोई भी आए मरेगा आके सीधे। 34 लेवल का शाइनी डिक्टोइस मिलने से तो मैं पहले ही खुश था, बट मेरे लिए अभी सरप्राइजेस बाकी थे। मुझे एक और मिल जाए रात को सोने से पहले, यार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से भाई। कम ऑन गाइस, अब एक काम करते हैं, अगली सुबह उठ के भाई, अगले सुबह 4 से 5 दिन हो गए ऐसे घूमते घूमते यार, तब जाके मिला, मैं लगातार इसके घूमे पड़ा हूँ, मतलब मैंने कुछ और काम करे ही नहीं। अब इतने इतने सारे ऐसे 20 से ऐसे अपनी हेल्थ को रिपेयर करना बड़ा टफ है। गाइस गाइस यार कम ऑन ब्रो, इतना लकी कैसे, यहाँ तो दो दो पड़े एक सामने उधर, टोकट वो पहले लेते भाई, ये ज्यादा जरूरी है। बढ़िया आ जाओ, कैच हो जा भाई, कैच हो जा गाइस, मुझे दो दो एक साथ मिले, समझ नहीं आ रहा भाई इस दिन। तुम नहीं मारेगा, मैं इसको पकड़ूंगा भाई, मैं अगर छोड़ दूँ अपने पास को सीधे मार डालेंगे लोग इसको। चलो दूसरे लकी और माइंड फॉर्मर, एक और स्वी है ये, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तो ऐसे ही चला गया, चलो आ जाना भाई, शांति से आ जाना गाइस। इस तरीके से मुझे मिलते रहे, मैं यहाँ पे देखो कल और डेरा मारूंगा, एक और बार यहाँ पर आऊंगा यार, मुझे बिलीव नहीं हो रहा यार, इतने सारे मुझे मिल रहे, इतना गजब का लक यार, कम ऑन। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत और ढूंढा पर कुछ हाथ नहीं लगा, तो मैं बेस पर वापस आकर सो गया और अगली सुबह फिर से निकल गया शाइनी पास को ढूंढने। लेकिन आज किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, मैं आधे घंटे से भी ज्यादा देर तक ढूंढता रहा लेकिन मुझे एक भी शाइनी पाल नहीं मिला। मैंने सोचा एक लास्ट बार इस आइलैंड पे ट्राई करूंगा ढूंढने का, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, उसके बाद मैं डायरेक्टली जाऊंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वहां पर सारे रेयर पास मिलते हैं, हो सकता है वहां पर मुझे एक शाइनी पाल भी मिल जाए। कम ऑन एक बार मैं चला जाऊंगा यार इसके बाद, तुम लोग बस एक बार दिख जाओ सामने। वैसे भाई ये लोग भी डर ही रहे होंगे यार, पकड़ने आए हैं यहाँ पर हम लोग। आई भाई आवाज आ रही है, रुको कहाँ पर, अरे ये सामने है तो भाई, कैटीवा मिला फिर से, कोई दिक्कत नहीं यार मैं लूंगा इसको, छोड़ो कुछ भी हो मैं तो इसको लेने वाला हूँ। चल भाई तुझे तो मैं इसे ही पकड़ूंगा, दो तीन गोली का नहीं था यार ये, पकड़ लिया। कैटीवा को पकड़ने के बाद ही मैंने नोटिस करा कि मेरा कैमरा भी डिस्चार्ज हो चुका था, बट मुझे अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास जाना था तो मैंने रिकॉर्डिंग चालू रखी और अब मैं यहाँ से डायरेक्टली निकल गया उसी जगह पर। मेरा स्टैमिना इतना लो है यार, ये क्या, अच्छा फ्लावर्स है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझ गए। पैंक भाई साहब, भाई मैंने अभी एंट्री ली, मैंने जस्ट अभी एंट्री ली और यहाँ पर देखो क्या मुझे मिल गया, पहला पैंकिंग मिला मुझे, मैं इसको सीधे मारूंगा भाई, समझ लो, नो रिस्क, मैं सीधे मार के इसको उठाने वाला हूँ। ये कमॉन बस पकड़ में आ जा, बस कमॉन पकड़ में आ जाना भैया, बहुत सही। अबे तुम लोग हटो, हम लोगों को मिला एक और लकी भाई, वो लोग मुझे बिलीव नहीं हो रहा, एंट्री मार दी तुम्हारा भाई यहाँ पे फेमस हो चुका है, ठीक है सॉरी। चलो मार खाओ भाई, इसका मिल जाए जरूर का मजा आ जाए, समझ लो पेनगेम तो मिल गया, बढ़िया बात है। इसके बाद मैं इसी जगह पर थोड़ी देर ऊपर से नीचे होता रहा और पास भी यहाँ पर चेंज होते रहे लेकिन मुझे कोई शाइनी पाल नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि एक बार चलो बेस पे जाते हैं और वापस फिर से आते हैं, हो सकता है तब तक कोई और शाइनी पाल स्पॉन हो जाए वहाँ पर। गाइस अरे गजब, मैं जाते जाते मिल गया भाई, मैंने जस्ट अभी बोला यार ये लिफमंक भाई, वो भाई मेरा लग बहुत अच्छा, सही बता रहे भाई मुझे, भाई सही बता रहे, मैं इतना बता दूं मैंने कोई चीटिंग नहीं लगाई यहाँ पर, ठीक है ना, कोई चीट ना कोई बग कुछ भी नहीं, बस मैंने पाल क्या बेहतरी, नहीं मरना नहीं भैया, मरना नहीं गिरते वक्त, अरे नहीं भाई नहीं यार, मरना नहीं था तुझे, शिट यार, यार मैंने दो पाल के साथ ऐसा कर चुके हैं यार, एक मैंने रिंग ऑफ मर्सी नहीं पहनी थी और दूसरे में ये गिर के मर गया बेफालतू का। थोड़ी देर में रात होने वाली थी तो मैं सोने चला गया और अगली सुबह मैं फिर से निकल गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। और गाइस आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं जैसे ही वहां पहुंचा मुझे दिखा शाइनी आजुरूब, वो भी 31 लेवल का, भाई साहब आज मेरा लक सबसे बेस्ट है, समझ लो इतने बड़े लेवल का पाल इतनी आसानी से मिल गया, और पता नहीं किसी वजह से ये तो एक ही जगह पे रुका हुआ था और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, मैंने डायरेक्टली इस पे अटैक करना चालू कर दिया। यो तेरी भाई भाई सॉरी भाई भाई भाई, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा लग रही है, ये पानी वाला तो तेरी भाई 400 का डैमेज दे रहा है, उसको डैमेज नहीं लग रहा बिल्कुल भी, समझ लो, अरे नहीं हाइड्रो लेजर नहीं चाहिए, अब बच गया नहीं, आजा भाई अंदर आजा भाई प्लीज,
अब इसको पकड़ने के बाद मैं सीधे निकल गया अपने बेस की ओर, क्योंकि अब मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते करते 4 से 5 घंटे हो चुके थे। तो मैंने सोचा बेस पर चलने के बाद इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देंगे। बट मेरा लक इतना अच्छा था कि बेस पर जाते जाते ही मुझे एक और शाइनी पाल मिल गया। अरे गजब भाई, मैं बात ही कर रहा था, इस बार नहीं होने दूंगा। मुझे चोट लगे चाहे जो, 1-2 वापिस आ जा अंदर भाई, कोई मारने मत आइयो भाई इसको, ठीक है? कम ऑन, मेरे पास एक फॉक्स पार्क्स भी होगी, लक्की वाली वो भी भाई साहब। ऑल राइट गाइस, तो देखो हम लोग यहाँ पर अपने बेस पर आ चुके हैं और यार मुझे अपनी किस्मत पे बिलीव नहीं हो रहा भाई। देखो इतने लकी हैं। सबसे पहले तो मैंने ये दोनों तो पहले से पकड़ के रखे थे, नाइटविंग और फेंगलोप को, और साथ ही साथ हम लोगों ने पता नहीं कितने सारे पास पकड़े। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल के टोटल 10 पास को हम लोगों ने पकड़ा। मतलब देख लो इसमें से जैसे बहुत सारे तो वो भी है लो लेवल्स के, लेकिन गाइज डिक ट्वाइस 34 लेवल, पेनकिंग 33 लेवल, आजूरूप 31 लेवल। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इससे भयंकर भयंकर लेवल के पाल्स को भी पकड़ेंगे। जैसे देखो मुझे तो एक टारगेट है ये मेमोरीज को पकड़ने का भाई, इसका लकी वाला पाल पकड़ ले भाई मजा आ जाएगा, सही बताएं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतने रखते, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बता दीजिएगा वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोग को पता है कि और भी लकी पास कहां मिल सकते हो तो उसे जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में, मैं वहां जाकर जरूर चेक करूंगा एक बार। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।